हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन कार्य केंद्रित घनी इकाई सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, बीसीसी के लिए ए और आर के बीच में क्या संबंध है, इसका डेरिवेशन करेंगे। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि बीसीसी किसे कहते हैं। कार्य केंद्रित घनी इकाई सेल का मतलब क्या होता है कि यदि घटक कण कोनों के साथ साथ काय के केंद्र पर भी उपस्थित हैं तो उसे कहते हैं काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। इसमें ए और आर के बीच संबंध उनको निकालना है। तो क्या किया, इस तरह से घटक कण क्या होंगे, आठ कोनों पर है, एक क्या होगा इसके बॉडी के सेंटर। ये केस में एटम है गोलाकार, दूसरा सेंटर का ये, तीसरा इस तरह से। मतलब क्या करेंगे, इसमें हम एक डायगोनल लेंगे, एक पूरा में विकर्ण लेते हैं। विकर्ण का मतलब क्या हुआ, यानी विपरीत कोना, इसके विपरीत क्या हुआ कोना, अपोजिट डायरेक्शन में ए हो, या इस तरह से भी ले सकते हैं। यहां तो क्या बन जाएगा, ये के डायगोनल यहां पे बन जाएगा। अब इसकी हम टोटल रेडियाई निकालते हैं, इस गोला की रेडियाई कितनी होगी, यहां से यहां तक की रेडियाई हो गई आर, यहां से इस परिधि से इस केंद्र तक की आर, इससे इस परिधि तक की आर, और यहां से यहां तक की आर। इस तरह से क्या हो गया, हमारा एक पूरा एक डायगोनल बन गया, और उसकी टोटल लेंथ हो गई वो किसके बराबर हो गई, 4r के बराबर हो गई। इसकी कोर की जो लंबाई होती है वो a के बराबर है। a फॉर क्या है, एज लेंथ या भुजा की लंबाई, a a a। तो क्या हो जाएगा इसमें, यानी टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई, 4r के बराबर हो गई। यानी इसमें थ्योरम लगाएंगे, 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, या 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू 3/16 ए स्क्वायर, या आर बराबर हो जाएगा 3/16 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा √3, ए स्क्वायर का हो जाएगा a, और 16 का हो जाएगा 4। मतलब क्या हुआ कि बीसीसी के लिए डेरिवेशन हो गया, क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ए √3/4। तो कार्य केंद्र घनी इकाई सेल के लिए ए और आर में संबंध क्या होगा, ए √3/4। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं ए और आर के बीच में, रिलेशन के बीच में। एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी। ये तो क्या था, ए और आर के बीच में संबंध है, अब संबंध है ए और डी के बीच में। बहुत आसान है, इसमें डी फॉर क्या है, डी फॉर है डिस्टेंस, दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, डी कहलाती है। इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सिंबल क्यूबिक के लिए क्या आया था, आर बराबर a/2 आया था, एफसीसी के लिए r इक्वल टू a/√2, बीसीसी के लिए r इक्वल टू a√3/4। हम d समझते हैं, d क्या है, जो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी है। जैसे ये के परमाणु है ये की, तो एक टोटल क्या है इसकी, ये कहलाएगी एज लेंथ, और ये किसके बराबर होती है इस तरह से, यानी ये बराबर हो जाती है, यही डिस्टेंस क्या होती है हमारी, डी कहलाती है, ये डी के बराबर होती है। इसको कहेंगे आर, यहां से होगी आर, सेंटर से मिलाएंगे इस तरह से, तो ये क्या होगी, डिस्टेंस हो गई
निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी डी हो गई। ये डिस्टेंस क्या हो गई, यहां से यहां तक की रेडियस आर हो गई, यहां से यहां तक की रेडियस क्या हो गई आर। हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, ए बराबर क्या हो गया था आर प्लस आर यानी बराबर टू आर। मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं करना इस डेरिवेशन में हमको, सिर्फ हमको ए को रिप्लेस कर देना किससे, डी से, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा टू आर हो जाएगा, या आर बराबर क्या हो जाएगा डी अपॉन टू। बस इतना हमको करना है, आर के स्थान में क्या लिखना है डी अपॉन टू रिप्लेस कर देना है, तो हमारा ए और डी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। यानी इस तरह से आर बराबर यहां पर क्या है ए बटे दो है। अगर हम यहां से डी बराबर लिखना चाहें तो आर के स्थान पर क्या लिखते हैं डी अपॉन टू, डी अपॉन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यानी डी और ए क्या हो गए बराबर हो गए। तो साधारण घन के लिए क्या होंगे ए और डी क्या आएंगे दोनों बराबर। इसको रफ कर देते हैं, समझ गए होंगे। ऐसे एफसीसी के लिए तो क्या हो जाएगा, यानी आर को हमको रिप्लेस किससे कर देना है डी अपॉन टू से रिप्लेस कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहां से डी अपॉन टू इक्वल टू ए अपॉन टू रूट टू, टू से टू कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा ए अपॉन रूट टू। तो डी बराबर क्या हो गया यहां से डी इक्वल टू हो गया ए अपॉन रूट टू। सिंपली ऐसे बिल्कुल सेम बीसीसी के लिए तो क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या है ए रूट थ्री अपॉन फोर, यहां पर लिख दीजिएगा डी अपॉन टू इक्वल टू क्या हो गया ए रूट थ्री अपॉन फोर, टू से टू कैंसिल हो जाएगा टू आ जाएगा यहां पर, तो यहां से डी बराबर क्या हो जाएगा ए रूट थ्री अपॉन टू। ये क्या रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया ए और डी के बीच में, और यहां क्या आता है ए और आर के बीच में। तो इस तरह से हमारी टेबल देखो बन जाएगी, इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में इसको समराइज कर लेते हैं। ये हो गया रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये हो गया रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, बहुत आसान है। तो इसका डेरिवेशन भी हम लोगों से बोर्ड में भी पूछा जाता है कि साधारण घन इकाई सेल के लिए ए और आर के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, हर कंपटीशन इसमें इसमें से कोई ना कोई न्यूनकल इस पर आता है। तो टेबल जो है छात्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है, आपको बोर्ड परीक्षा में इससे कोई ना कोई न्यूनकल अवश्य मिलेगा। थैंक्स।